आज हम लोग फिर से आ चुके हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तीन लौंडे और हैं। तो हमारे पापा रिफत जो कि रोजली हमारे लिए रूम बनाते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे साथ आज 49 बंदे आए हुए हैं, टोटल 49। हम देखेंगे क्रेडोस टाइगर को, जो कि क्रेडोस लायन का ही बंदा ये खेलेगा सोलो से फॉर्ड, काफ़ी तबाही मचाने का पूरा इरादा है। क्रेडोस एविल भी जो है उनके साथ, उन्हीं के बंदे क्रेडोस के जो कि जा रहे सवर्णी। और हमारी यूपी शाहिद की टीम जा रही है हरियाणा में, यहाँ पे गन फाइट होने का सीधा सीधा चांस है। टीम नंबर 6 प्लेबॉय की भी टीम यहीं पे, बिल्कुल यश नायपोलिया में, और मास्टर की टीम भी यहीं पे जो कि रोड साइड उतर के भाग रही है। हम लोग देखेंगे पोचिंकी में 4 टीमें हैं, बसड़ा देखने को काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। उसी तरह रोजोक में हमारी सिर्फ एक ही टीम है जो कि टीम नंबर 22 है, यूपी की टीम। और मिलिट्री बेस में दो टीम जा रही है, एक टीम उतर चुकी है ग्लेशियर का, तो एक पैराशूट बहुत ही प्यारा पैराशूट मिल चुका है। एक लंडा सोलो से स्कॉट खेलने की पूरी, गैंगस्टर बाबा जो की है सोलो से स्कॉट पूरा क्लच करने की पूरी तैयारी कर सकते हैं ये। और गैंगस्टर बाबा इसी के साथ फिनिश है, मैंने अंसारी ने गैंगस्टर बाबा को फिनिश कर दिया, क्योंकि इनके जस्ट सामने टीम नंबर थ्री और टीम नंबर 14 दोनों हैं। टीम नंबर 3 का एक ही बंदा है, नंबर 3 का एनएस अतीफा ने जो है एक लौंडे को खत्म कर दिया। और पर श्रम को भी नॉक किया एनएस अतीफा ने, और यहाँ पे एनएस अतीफा ने जो है वापस श्रम को बिल्कुल फिनिश ही कर दिया। और इनका जो कचूमर बनने ही वाला है, क्रेडोस लाइन ने जो आर्डेक बॉम्बी को खत्म कर दिया, नॉक कर दिया, और इसके साथ वो खत्म भी कर देंगे, बिल्कुल खत्म भी कर दिया। आतिफा का बहुत अच्छा क्लच यहाँ पे, मैनेज की टीम जो है नंबर 3 के ऊपर पूरा पुश कर, पूरा जाने की कोशिश कर रही है, पुश करने की कोशिश, और नंबर 3 काफ़ी ध्यान से खेल रही है, और इनको काफ़ी अच्छा तगड़ा इससे पा सकता है बिल्कुल खुले से। एनएच सलमान ने काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, बहुत ही अच्छा बचाव। जस्ट वो अंदर चले गए, ऐश काफ़ी अच्छी पोजीशन में, चारों बंदे जस्ट उनके सामने ही हैं, सभी लौंड बिल्कुल पोजीशन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ये बहुत ही प्यारा स्प्रे, क्योंकि इन्हें सलमान को डाउन कर दिया इन्होंने। इनको कवर में जाना चाहिए सबसे पहले, ये दोनों तरफ से पिस सकते हैं, इनको पहले पीछे ही जाना चाहिए। और बहुत ही प्यारा नेट आया था इनके ऊपर, हारिश का बहुत ही अच्छा नेट, और इन्होंने इनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। ऐसी का फ़ायदा उठाया है ऐश ने, सलमान ने जो है बाहर विनान को नॉक किया, और अतीफा को भी नॉक कर दिया एक बॉम्ब। ओ भाई, एक बॉम्ब से चारों लौंडे ख़त्म, क्या बात है। एनएच सलमान का काफ़ी अच्छा नेता यहाँ पे, जो कि अभी भी ऐश ने पोलियाना में है। तो यूपी एविल हेड ने केजीएफ इमरान ने यूपी एविल हेड को नॉक कर दिया, और अरहान ने केजीएफ इमरान को डाउन कर दिया। यूपी हंटर ने डेयर डेविल को नॉक किया, कैरेड ऑफ लीवल ने यूपी हंटर को नॉक किया, और इसकी किंग ने जो है ऐसे के साथ यूपियों की पेटी बन गई। टेडे से पूरी पूरा मार दिए इन लोगों ने, आरबीडी के ऊपर पूरा प्रेशर, बहुत ही अच्छा नॉक, दो लौंडे डाउन, बहुत ही अच्छा डाउन किया इन लोगों ने, खत्म भी कर दिया इन लोगों ने। जमा बिल्कुल पीछे ही है, वसीम अहमद को भी नॉक कर दिया इन लोगों ने, और खा भी गए, जस्ट ऊपर ही हिल मार रहे हैं। और इसी के साथ मास्टर टीम ने
फिर से एक और शॉट फिनिश कर दी याशनाया पोलियाना में। इनके प्ले बॉय ने बहुत ही अच्छा टॉपिक को नॉक किया। ट्रेड ऑफ लाइन में डाउन हो चुके हैं। फिरोज ने काफी अच्छा मीनिंग का स्प्रे दिया था। आरबीडी बिल्कुल रोटेट कर रहे हैं, टॉपिक इनके सामने ही है। मुझे लगता है मॉन्स्टर की टीम यहां से निकलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पीछे से प्ले जोन भी पुश कर रहा है इनपे। इनको भी निकलने का प्रयास करना ही चाहिए। और सबसे ज्यादा फायदे में इस वक्त टीम नंबर 23 है, जो कि ड्रॉप पर ड्रॉप लूटे जा रही है, क्योंकि इसके पहले इन्होंने यूपी की टीम पूरी फिनिश की थी। बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया था इन्होंने। इनको कूदना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा डाउन, ये लोगों ने अफरोज को भी डाउन कर दिया। दिलशाद को भी नॉक कर दिया गया। और इन लोगों ने दूसरी टीम फिनिश कर दी पोचिंकी में। जस्ट इनके पीछे ही टीम नंबर 23 है और ये भी आ चुके हैं। एक डाउन, दो डाउन, तीन डाउन और ये एम एन अंसारी भी। और इन लोगों ने एक शॉट यहाँ पे फिनिश कर दी बिल्कुल ब्रिज पे, और इनका एक लौंडा भी यहाँ पे निपट गया। तो पास भारी मात्रा में AWM और Ripto 49 की लूट्स मिल गई है। मॉन्स्टर की टीम ब्रिज पे आ रही है, बिल्कुल मॉन्स्टर की टीम बिल्कुल ब्रिज पे आ रही है। दो दो लौंडे, इनको काफ़ी भारी पड़ सकता है बग्गी ले जाना। और इसी के साथ प्लेबॉय भी ब्रिज की तरफ जा ही रहे हैं। हमको काफ़ी अच्छा फाइट देखने को मिलेगा ब्रिज की ओर। बीच में ये पिस सकती हैं, पिस जाएंगे या निकल जाएंगे, पिस जाएंगे या निकल जाएंगे ये लोग। बिल्कुल ये लोग रुक गए। फैस के स्प्रे काफी तगड़ा है इनको, मगर काफी बेकार जगह पे हैं ये। इनको नीचे से पड़ सकती है और बाद में चलाएंगे जाकर ओपी स्प्रे। मॉन्स्टर की टीम भी बिल्कुल पीछे ठहर चुकी है। क्रोडो सिविल के जस्ट पास ही एक जो है, इनको गाड़ी से पीछा किया जा रहा है बिल्कुल। क्रेडो टाइगर की स्थिति काफी नाजुक और क्रेडो टाइगर को जो है KGF इमरान ने खत्म कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लेबॉय जो कि सैंडविच बन चुके हैं, इनके जस्ट पीछे मॉन्स्टर की टीम भी है। मॉन्स्टर की हालत काफी नाजुक, दोनों तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रे आ रहा है इन पर। और अफजाल नॉक हो चुके हैं, निहाल ने काफ़ी अच्छा नॉक किया अफजाल को और ये लोग सैंडविच हो चुके। आरबीडी ने काफ़ी अच्छा संभाला यहाँ पे। आरबीडी पहले अपने बंदे को उठा रहे हैं, बहुत सही बहुत से अफजाल को पहले पकड़ना चाहिए था इनको। फैज भी नॉक हो ही चुके हैं और नीचे से एक और लंडा आ ही रहा है इनके पास। पहले हिल मारना चाहिए था क्रेडोस को। इनको कहीं से एंगल नहीं मिल रहा है बिल्कुल। और आरबीडी भी फिनिश ओपी लेती है, अपने काफी अच्छा स्प्रे देकर जो आरबीडी को खत्म कर दिया। और इसके बाद इनकी 6 किल। ये लोग अभी तक फंस चुके हैं ब्रिज पे। ये लोग अपनी पोजीशन चेंज करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है और ये लगता है गाड़ी में ही फट जाएंगे। बहुत ही ओपी नेट था इनका। इन्हें स्टाइल बिल्कुल स्प्रे दे रहे हैं। क्रेडोस लाइन डाउन, क्रेडोस इविल डाउन, आई एम सॉरी। पूरा प्रेशर आ चुका है KGF इमरान के ऊपर।
साहिल काफी अच्छा स्प्रे यहाँ पर देने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में नेड हो गया यहाँ पे आपको, ये दोनों लौंडे उठ चुके हैं। केजीएफ इमरान को भागना काफी भारी पड़ सकता है, ये लोग जोन में इनको थोड़ा बहुत एडवांटेज है अभी। थ्रेडर्स एबल फिर से नॉक, काफी अच्छा स्प्रे केजीएफ इमरान का, काफी अच्छा स्प्रे, बट ये बच गए, ये डाउन हो चुके हैं, केजीएफ इमरान को जिंदा खा जाएंगे। ओपी लतीफ प्ले बॉय ने दिया, ओपी लतीफ को काफी अच्छा नॉक किया, बहुत ही ओपी स्प्रे यहाँ पे केजीएफ इमरान का, जस्ट इनका एक लौंडा बचा हुआ है, एक रेडर्स एबल को फिर से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, लतीफ नॉक है, सलमान अपने एक लौंडे को उठा रहे, दूसरी तरफ भी स्मोक कर दे ताकि अपने दोनों लौंडे को उठा ले। केजीएफ इमरान बिल्कुल पुश कर रहे हैं ताकि जो ये खत्म कर दे एक लौंडे को, सलमान भी आ ही रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे इन्हें सलमान भी डाउन हो चुके हैं, रेड ऑफ एवल का काफी अच्छा स्प्रे, अब साहिल उठ चुके हैं यहाँ पे, स्थिति काफी नाजुक, ऐश जा चुके हैं बिल्कुल, एन एस स्टाइल जो है अपने दूसरे लौंडे को उठा रहे हैं, दो ओवर है। एविल ने पूरी कोशिश की यहाँ पे खत्म करने की बट बच गए किसी तरह, अब इमरान को पुश करना चाहिए पीछे से, अगर ये उठ गए तो सामत नहीं थोड़ी। तो टीम नंबर 25 में जो टीम नंबर 6 को आने नहीं दिया ब्रिज से, अभी तक वो ब्रिज पे ही है और जोन भी पुश कर रहा है फिलहाल। एन एच साहिल का काफी अच्छा स्प्रे फिर से देखने को हमें मिलेगा और ये बच गए जस्ट सेकंड से, ये बच गए। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकलना सही रहेगा इन लोगों के लिए। एन एच सलमान ने काफी अच्छा एडब्ल्यूएम का शॉट दिखाया, यहाँ पे ओपी लतीफ भी डाउन हो चुके हैं और दूसरे बंदे भी डाउन हो चुके हैं, पूरा रेबल फैस यहां से निकलने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्लेबॉय ने इनको सबको फिनिश कर दिया बट ये लोग जोन में जा नहीं पाएंगे या जा पाएंगे पता नहीं इनका, अभी हमको देखने में आ सकता है कि बस केजीएफ इमरान अब जा ही सकते हैं। इनकी जो ये तो पहले हील करेंगे अपने आप को कि तो हालत खराब हो चुकी थी। केजीएफ इमरान और इस बार ये नहीं बचे, केजीएफ फिर से बच गए, एनएच की टीम और प्लेबॉय की टीम बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। एनएच साइड नॉक हो चुके हैं, पूरा प्रेशर सलमान के ऊपर, और दो बंदे उन्होंने डाउन किए, जस्ट इनका लास्ट बंदा बचा हुआ और बाय चांस मिस कर गए ये लोग, थोड़ा सा मिस कर गए, प्ले बॉय के सभी लौंडे डाउन ही हो चुके थे। मैं देख रहा हूं काफी अच्छा ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब प्ले बॉय के एक बंदे ने इनको स्पॉट ही कर लिया है, और यहां पे मैच एंड हो गया।